अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप के एंथम कौन गाएंगे? दो क्लूगारों के नाम सामने आ चुके हैं। ICC इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप की पार्ट 3 की टिकटें कब मिलेंगी वो आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के किस शहर में पहुंच चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के एंथम के लिए मरूफ स्टार की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। ICC कौंसिल की जनब से गुज़र रोज़ T20 वर्ल्ड कप के एंथम की तैयारियों के लिए मरूफ आर्टिस्ट सैन पॉल और सुपरस्टार कैस की खिदमात हासिल करने का ऐलान किया गया है। दोनों की जनब से तराने की तैयारियों पर काम शुरू हो चुका है। इसकी पहली झलक भी रिलीज़ कर दी गई है। छोटे फार्मेट का मेगा इवेंट यकम से 29 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। इस तराने की शूटिंग में मुख्तलिफ क्रिकेट स्टार भी शरीक होंगे। आने वाले हफ्तों में इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। सैन पॉल और कैस दोनों ही इस एंथम का हिस्सा बने हैं, बनने पर इसे अपने लिए एजाज़ करार दिया है। ICC ने मेगा इवेंट के लिए पार्टी स्टैंड टिकटों की पीर से फरोख्त शुरू होने का ऐलान कर दिया है। इनमें कैरेबियन जॉइंस पर शेड्यूल तमाम मैचेस शामिल है, जबकि न्यूयॉर्क में शेड्यूल मेगा इवेंट के 8 मैचेस के पैकेज भी शामिल हैं। ये पैकेज ICC की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदे जा सकते हैं। एक इंशकाफ किया गया है कि फ्रॉड साइबर अटैक का टिकट फरोख्त करने वाली साइट पर हमले की कोशिश भी हुई जिसे नाकाम बना दिया गया। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंची है और इस्लामाबाद चली गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PCB अहकाम ने न्यूजीलैंड का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुँचाया गया। पाकिस्तान की टीम आज रावलपिंडी पहुँचेगी। कीविज़ के लिए सीरीज के स्काउट में शामिल तमाम खिलाड़ी ईद की छुट्टियों के बाद पिंडी पहुंचकर सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे। पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा।